रहमान रहीम, अभी आई के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे ऊपर ये जो मसल आई का होता है, ये सुपीरियर रेक्टस है। उसके बाद ये साइड पे जो है ये हमारे पास लेटरल रेक्टस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना अंदर एक होता है मसल, यहाँ से ऊपर मैं आपको सुपीरियर बेस दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदर एक इस जगह पर मसल होता है, उसको कहते हैं इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, जो अंदर होगा। उसके बाद आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये वाला मसल है ये मीडियल, इसको कहते हैं मीडियल रेक्टस, ठीक है। उसके बाद ना दो हमारे पास ओब्लीक मसल है, चार रेक्टस मैंने आपको बताया, दो ओब्लीक्स हैं। ये जो नीचे सबसे ये वाला मसल है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर ओब्लीक, और ये जो ऊपर आपको ये टेंडन नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास होता है सुपीरियर ओब्लीक, ये पीछे जा रहा है सुपीरियर ओब्लीक, ये वाला आगे आकर टेंडन में जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सारे इसके आई के मसल हो गए, एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल को कहते हैं, ठीक है। इंट्रा ऑक्युलर सिल्डी मसल होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑक्युलर, ये आपको नजर आ रही है जो डंडा सा बना हुआ है स्टिक्स, ये हमारे पास है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आपको बताता हूँ आई के स्ट्रक्चर के बारे में। ये साइड पे हमारे पास क्या है, स्क्लीरा है, वाइट वाला पार्ट, तो सेंटर पे ये जो पार्ट है ये सारा हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है। इसके बेसिकली इसमें यही है, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ आई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये फर्स्ट लेयर आई थी, ठीक है। उसके बाद ना आपको सेकंड और थर्ड लेयर बताता हूँ, ये मैं आपको अच्छा, ये सेकंड लेयर आ जाती है हमारे पास आई की, ठीक है। सेकंड लेयर जो होती है, ये पीछे आपको जो रेड सारा पार्ट नज़र आता है, उसको हम कहते हैं कोराइड, ये हाईली वास्कुलर होता है। उसके बाद ये जो अगला पोर्शन है, ये अंदर से मैं आपको बताता हूँ, ये सील्डी बॉडी है, ठीक है, इसको कहते हैं सील्डी बॉडी। बाकी जो आगे कोराइड कहते हैं, अब अंदर से उसकी इसी तरह हमारे पास ये जो अब ये सेकंड लेयर है, अंदर से आप यहाँ से देख सकते हैं दो कलर आ रहे हैं, बाय रेडिश था, अंदर थोड़ा सा लाइटिश है। तो अंदर जो ये सारा पार्ट है, उसको कहते हैं रेटिना, ठीक है, रेटिना। उसके अंदर ये वाली हमारे पास वही ऑप्टिक नर्व आ रही थी, ये हमारे पास ऑप्टिक आर्टरी और साथ में हमारे पास ऑप्टिक वेन आ रही है, ठीक है। ये हो गया सील्डी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सील्डी मसल्स होते हैं, ये हमारे पास होते हैं, ये यहाँ पे ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, ये एलिवेशन सी, यहाँ पे सील्डी मसल्स होते हैं, ठीक है। और इससे यहाँ पे अंदर लेंस पड़ा होता है, इसके पीछे विट्रस फ्लूइड होता है, और इससे आगे जो है एकोसीमर होता है, पीछे विट्रस सीमर, ठीक है। तो आई के मॉडल के अंदर इतनी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मॉडल में रह गई थी, ये जो साइड पे पाया जाता है, इसको कहते हैं नेजो लक्रिमल पाउच, ठीक है। जो लक्रिमल ग्लैंड होते हैं ना, वो आई के लेटरल साइड पे पाया जाता है, लेकिन नेजो लक्रिमल पाउच जो है, ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ आई के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। ये देखें, ये वाली सारी मीडियल सर्फेस है, ये नेजल बोन है, ये ऊपर फ्रंटल बोन है। उसके अलावा ये साइड पर हमारे जाइगोमेटिक बोन, और इस मॉडल में इतना ही है।